चंदा इकट्ठा करते रहे तो 50 साल बाद पे डैम नहीं बनेगा। नए पाकिस्तान के नाम पर आंखों में धूल झोंकी गई है। नून लीग ने 5 साल में 20 साल का काम किया, हुकूमतें काम नहीं करती तो रियासत का नुकसान होता है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का वॉल्टन रोड पर तकरीब से खिताब। मजबूत जमहूरियत के लिए मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ का होना लाजिम है। अगर मियां साहब का सियासत में किरदार ना होता तो मुल्क की बदकिस्मती होगी। इमरान खान को वजीर आजम नहीं मानता, वो मुंतखब नहीं सिलेक्टेड वजीर आजम है। सरबरा एएनपी असफंद यारवली की जाति उम्र में नवाज शरीफ से मुलाकात, बेगम कुलसुम नवाज के इंतकाल पर इजहार तासीर। मीडिया से एलडीए के जेरे तमाम पेट्रोल पंप साइट्स के नीलामी का मामला, 22 पेट्रोल पंप साइट्स के हकूक किरायादारी का नीलाम आम 26 सितंबर को होगा। पेट्रोल पंप साइट्स गुलबर्ग, न्यू गार्डन टाउन समेत दीगर इलाकों में वाकई है। भाटी गेट में 20 साल बिलाल की डोर फिरने से हलाकत, केस में पेशरफ्त हुई। पुलिस का पतंगबाजी मुकदमा में साबिका रिकॉर्ड याफ्ता अफराद को शामिल तफ्तीश करने का फैसला, मुलहिक का थानों से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। और गवर्नर हाउस कल फिर खुलेगा मगर खाने पीने पर पाबंदी होगी। गवर्नर हाउस में पौधों और फूलों का ख्याल रखें, फैमिलीज खाने पीने की अशिया साथ न लाएं। गवर्नर हाउस कौमी असासा है, उसकी देखभाल हम सब की जिम्मेदारी है। गवर्नर हाउस इंतजामिया ने सैर के लिए आने वाले अफराद के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया।